मार्शमेलोज, वेलकम बैक। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक क्राइम थ्रिलर साउथ कोरियन मूवी की स्टोरी को, जिसका नाम है दी लॉस्ट चॉइसेस। इस मूवी में हम जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक टैलेंटेड और सकारात्मक सोच रखने वाली लड़की जीउन अंत में एक खतरनाक सीरियल किलर बन जाती है और एक एक करके कई लोगों को मार डालती है। दोस्तों, इसमें जो पुलिस इंस्पेक्टर ने लास्ट में किया, आपके हिसाब से क्या वो सही था या गलत, ये जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना और कमेंट्स करके जरूर बताना। सो लेट्स डाइव इनटू द फर्स्ट सीन। दोस्तों, मूवी के फर्स्ट सीन में हम मूवी की मेन लीड जीउन को देखते हैं, जो कि शूटिंग स्पोर्ट्स में बहुत टैलेंटेड थी। वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को कंपटीशन में जीता गोल्ड मेडल दिखाने जाती है और उससे बात करते वक्त वो नोटिस करती है कि उसकी दोस्त का चेहरा सूजा हुआ था। वो उससे पूछती है, क्या आज फिर तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम पे हाथ उठाया या फिर तुम्हारे डैड ने ड्रिंक करके तुम्हारे साथ मारपीट की? मगर उसकी फ्रेंड इस बात का उसे कोई जवाब नहीं देती है। जाते जाते जीउन अपनी फ्रेंड से कहती है उसे अपने बॉयफ्रेंड से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो एक नंबर का बदमाश और बदतमीज लड़का था। शाम को जीउन की जीत को सेलिब्रेट करने के लिए उसकी मॉम डैड उसे बढ़िया से रेस्टोरेंट में डिनर के लिए ले जा रहे थे, मगर बीच रास्ते में उनकी कार का भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जीउन को जॉब इंटरव्यू में देखते हैं, जो कि थोड़ी हकला कर बात कर रही थी। दोस्तों से शूटिंग छोड़कर जॉब इसलिए करनी पड़ रही थी क्योंकि उस एक्सीडेंट में जीउन की मॉम डैड दोनों की मौत हो गई थी और जीउन को भी एक इंटरनल इंजरी हुई थी, जिसके कारण वो इंटरव्यू में ठीक से बोल नहीं पा रही थी, पर शायद इसी वजह से उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसके बाद जीउन को पैसे कमाने की मजबूरी में बहुत कम सैलरी पे एक पुरानी फैक्ट्री में काम करना पड़ता है। इस फैक्ट्री में इसकी वो फ्रेंड भी काम करती थी। फैक्ट्री का मालिक जीउन और इसके दोस्त को गंदी नजरों से घूरता था। एक रात को जब फैक्ट्री से घर जाते वक्त जीउन घर पे अकेली चल रही थी, तो तीन अनजान लड़के उसे बेहोश करके अपने साथ ले जाते हैं। वहाँ वो तीनों उसके साथ मारपीट करके उसका रेप करते हैं और उसके बैग में से सारा कैश और उसमें पड़ा सामान भी चोरी कर लेते हैं। वो उसे बहुत बुरी हालत में छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं और कुछ देर बाद जब जीउन को होश आता है तो वो उसी हालत में सीधा पुलिस के पास कंप्लेंट लिखवाने जाती है, मगर वहाँ मौजूद ऑफिसर उसकी मदद करने के बजाय उसे ही उसकी इस हालत के लिए ब्लेम करने लगता है। यहाँ तक कि वो कहता है कि तुम उनके साथ क्यों चली गई, तुम्हें उस टाइम पुलिस की याद नहीं आई? हो ना हो, इसमें तुम्हारी भी मर्जी रही होगी। जीउन को बहुत बुरा लगता है, मगर सबूत के तौर पर वो उनमें से एक लड़के के बाल उसके पेपर पे रखती है और उसी हालत में वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वहाँ एक लेडी ऑफिसर आती है। वो इस दूसरे ऑफिसर को गुस्सा करके कहती है कि तुमने उस लड़की की कंप्लेंट क्यों नहीं लिखी, तुमने जरा भी नहीं सोचा कि हो सकता है कि वो बेचारी सचमुच तकलीफ में हो? जवाब में वो ऑफिसर कहता है कि उसके जैसी कई लड़कियां रोड पे घूमती रहती है, मैं ऐसी लड़की को अच्छे से पहचान सकता हूँ। अगले सीन में जब जीउन अपने घर के अंदर पहुँचती है तो वहाँ उसका सामना उन्हीं तीनों रेपिस्ट में से एक से होता है। उस रेपिस्ट ने उसके बैग में मिले कार्ड से उसके एड्रेस का पता लगा लिया था। वो लड़का एक बार फिर उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगता है और इसी बीच जीउन के साइड वाले रूम में रह रहा उसकी दोस्त का बॉयफ्रेंड उसके कमरे में आ रही आवाज को सुनने की कोशिश कर रहा था। उसके कमरे से लड़के की आवाज सुनकर वो सोच रहा था कि जीउन बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं है और कमरे के अंदर वो रेपिस्ट जीउन का रेप कर रहा था और खुद को छुड़ाने के लिए जीउन टूटे हुए कांच से उसकी गर्दन पे हमला कर देती है और यही इस रेपिस्ट की मौत हो जाती है। इसी वक्त ऑफिसर जिया जीउन के कमरे का दरवाजा खटखटाती है और पुलिस स्टेशन में हुए बर्ताव के लिए उससे माफी मांगती है, लेकिन कोई एक्शन लेने से पहले वो उससे मेडिकल टेस्ट कराने के लिए कहती है, मगर जीउन उससे कोई भी बात नहीं करना चाहती थी। वो ऑफिसर जिया को
वहाँ से चले जाने के लिए कहती है और जिया उसकी हालत को समझकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में ऑफिसर जिया अपनी बहन की कंडीशन चेक करने के लिए एक हॉस्पिटल में आई थी। दोस्तों, जिया की बहन बहुत वक्त से हॉस्पिटल में एडमिट थी और यहाँ जिया सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि वो जियोन की मदद कैसे करेगी। अगले दिन जियोन के फोन पे एक अच्छी जॉब का ऑफर आता है, मगर वो मैसेज पढ़ने के बाद भी जियोन बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि इन दिनों उसके साथ जो कुछ भी हुआ था उसके बाद उसे कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा था। जिया उसी फैक्ट्री के बाहर जाकर जियोन से बात करने की कोशिश करती है, मगर जियोन पुलिस की कोई मदद नहीं लेना चाहती थी, इसलिए वो एक डायरी में लिख कर उसे साफ मना कर देती है। मगर जिया उन रेपिस्ट को पकड़ने में जियोन की मदद करना चाहती थी, इसलिए वो उसे एक रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले जाती है और उसे एक दोस्त की तरह ट्रीट करती है, हालांकि उनके बीच कोई खास बात नहीं होती है। अगले सीन में रात के वक्त जैसे ही जियोन अपने फ्रिज का दरवाजा खोलती है तो उसमें से काले रंग की पन्नी नीचे गिरती है। दोस्तों, इस पन्नी में जियोन ने उसी रेपिस्ट की बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पैक करके फ्रीजर में रखे हुए थे। वो उनमें से कुछ पार्ट्स को कहीं दूर फेंक कर आती है। वो आज भी एक पन्नी लेकर बाहर जाती है और इसी बीच वही मेल ऑफिसर जियोन के कमरे के बाहर खड़ा हुआ था। दरअसल वो केस के बारे में सबूत इकट्ठे करने के लिए वहाँ आया था, मगर वहाँ जियोन नहीं थी। इससे पहले कि ऑफिसर वहाँ से जाता, जियोन की दोस्त का बॉयफ्रेंड रास्ते से जा रहा था और तभी ऑफिसर उससे जियोन के बारे में पूछता है और जवाब में वो बुली बताता है कि उस लड़की के कमरे से रात के वक्त कुछ लड़कों की आवाज मेरे कमरे तक सुनाई देती है, इसलिए मेरा मानना तो यही है कि वो बहुत बिगड़ी हुई लड़की है। ये सुनने के बाद अपनी कार से वापस जाते वक्त वो ऑफिसर बहुत खुश था, क्योंकि उसने पहले ही कह दिया था कि जियोन एक अच्छी लड़की नहीं है और खुद उसके पड़ोसी से सुनकर उसे उस बात पे यकीन हो गया था। रास्ते में उसकी नजर जियोन के ऊपर पड़ती है और जैसे ही वो जियोन के पास जाकर अचानक उसका हाथ पकड़ता है तो उसके हाथ से एक बैग गिरता है जिसमें उसी रेपिस्ट का कटा हुआ हाथ पड़ा था। तो ये देखकर उस ऑफिसर के पसीने छूट जाते हैं। वो गुस्से से जियोन को मारने लगता है, मगर इनकी हाथापाई के बीच जियोन उसकी पॉकेट से बंदूक निकालकर उसके ऊपर गोली चलाकर उसे जान से मार देती है। इसके बाद वो खुद को भी मारने की कोशिश करती है, मगर उससे खुद को गोली नहीं मारी जाती। अगले दिन पुलिस को इंस्पेक्टर की डेड बॉडी मिलती है और इन्वेस्टिगेट करने के बाद पुलिस उस इलाके के खतरनाक क्रिमिनल को अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि जिस इंस्पेक्टर का मर्डर हुआ था उसने इस गुंडे के पैसे उधार लिए थे और उसे वापस नहीं किए थे और ये गुंडा उसे जान से मारने की धमकी भी दे चुका था। इस मामले में और जानकारी के लिए जियोन को भी पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है और वहाँ पे जियोन की नजर बाकी दो रेपिस्ट पे पड़ती है जो कि इसी माफिया के लिए काम करते थे। इसके बाद जियोन जब अपनी दोस्त के घर पे जाती है तो वहाँ उसे उसकी दोस्त बहुत बुरी तरह घायल हालत में मिलती है। जियोन उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाती है। दोस्तों, उसकी दोस्त की ये हालत किसी और ने नहीं बल्कि उसके बॉयफ्रेंड ने की थी। जब जियोन उससे इस बारे में बात करती है तो वो उससे कहता है कि ये अपनी जॉब में प्रमोशन के लिए अपने मैनेजर के साथ सोती थी। जियोन को इस बुली के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो उसी पुलिस ऑफिसर की गन से अपनी दोस्त के बॉयफ्रेंड को भी मार डालती है। इस केस की इन्वेस्टिगेशन के वक्त पुलिस को ये पता चला था कि दोनों मर्डर्स को एक ही गन से अंजाम दिया गया था और तो और मारने वाला प्रोफेशनल की तरह सीधा हेडशॉट मारने में माहिर था। इसके बाद जिया के जूनियर इंटर्न को जियोन के ऊपर शक होता है, मगर जिया उसे कहती है कि मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि जियोन किसी का खून कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ जियोन दूसरे रेपिस्ट के घर पे पहुंच गई थी। यहाँ हैरानी की बात तो ये थी कि उस रेपिस्ट को तो जियोन की शक्ल याद तक नहीं थी। वो उससे उस रात के लिए माफी मांगता है, मगर जियोन उसे भी मार डालती है। इस बार पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में जरूरी जानकारी मिलती है जो कि ये थी कि उस बॉडी का डीएनए उन्हीं बालों के साथ मैच हो गया था जो जियोन ने पुलिस को दिए थे। ये सब जानने के बाद जिया को समझ आ गया था कि उन्हें जियोन ने ही मारा था। वो जाकर जियोन के कमरे की छानबीन करती है, मगर वहाँ उसे जियोन की डायरी मिलती है। इस डायरी में जियोन ने तब से अब तक की सारी घटना लिखी हुई
हुई थी। उस रात उसके साथ हुई जोर जबरदस्ती से किए गए अपराध और फिर पुलिस के गलत बर्ताव से लेकर उसके बदले में उसने सबको कैसे मारा उसके बारे में भी उसने लिखा हुआ था। जिया उसे पढ़ के शोक हो जाती है, मगर तभी जीवन पीछे से उसके सर पे किसी चीज से हमला करती है और जिया वहीं बेहोश हो जाती है। जब जिया होश में वापस आती है तो वो बंधी हुई थी और जीवन उसके सामने ही थी। जिया उसे कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद करने दो, मैं तुम्हारी सजा कम से कम करवाने की पूरी कोशिश करूंगी। मैं तुम्हारा दर्द इसलिए समझ सकती हूँ क्योंकि मेरी खुद की बहन के साथ भी कुछ गुंडों ने रेप किया था और उन्हें सजा तो हुई मगर कुछ ही वक्त के बाद वो जेल से बाहर आ गए थे और मेरी बहन आज तक हॉस्पिटल से बाहर नहीं आ पाई। उसे आज भी उस दर्द के साथ ही अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें लेनी पड़ रही है। मगर जीवन को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ा और वो उसे बंधा हुआ छोड़कर उसी फैक्ट्री के मालिक से बदला लेने जाती है जिसने हमेशा उनकी गरीबी का फायदा उठाया और उसे और उसके दोस्त को गंदी नजरों से देखा था। वो उसे भी शूट कर देती है और वहाँ से सीधा उस आखिरी रेपिस्ट के एड्रेस पे पहुँच जाती है। जीवन उस पे गोली चलाने ही वाली थी कि तभी पुलिस फोर्स आकर उसकी तरफ बंदूक करके उसे खुद को सरेंडर करने को कहती है। जीवन खुद को शूट करने की कोशिश करती है मगर जिया उसे अपने तरीके से समझाने की कोशिश करती है। जीवन की आंखों में आंसू आ जाते हैं मगर तभी वो रेपिस्ट उसका फायदा उठाकर जीवन की बंदूक से उस पे गोली चला देता है और जिया भी उस रेपिस्ट को गोली मार देती है। जीवन और रेपिस्ट दोनों को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है और यहाँ कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। दोस्तों यहाँ पर कहानी एक बड़ा मोड़ लेती है और हमें जिया की सिस्टर की पूरी स्टोरी दिखाई जाती है जिसके साथ कुछ साल पहले जबरदस्ती रेप किया गया था। उस वक्त से ही उसकी बॉडी के एक ऑर्गन को बड़ा नुकसान हुआ था जिसकी वजह से वो अभी तक ठीक नहीं हुई थी। जब जीवन का ब्लड ग्रुप जिया की सिस्टर के ब्लड ग्रुप से मैच हो गया था तो जिया के दिमाग में उसकी बहन को ठीक करने का जुनून सवार हो गया था जिसके चलते उसने उस रेपिस्ट और जिया दोनों के ऑक्सीजन मास्क को उसने हटा दिया था जिसकी वजह से उन दोनों की मौत हो गई थी। अब इसी मोड़ के साथ ये मूवी खत्म होती है और मेरा वही सवाल आपसे है, क्या पुलिस इंस्पेक्टर जिया ने जो किया वो सही था या गलत और इसके बाद आपको किस मूवी का एक्सप्लेनेशन सुनना है मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय।